गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं राजू कुमार गौन, आर्ट टीचर, जवाहर नवोदय विद्यालय साहेबगंज। तो आज आप लोग को हम बताएंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में। नवोदय विद्यालय क्या होता है, उसका सिलेक्शन कैसे होता है, उसका फैसिलिटीज क्या है, और सब स्कूलों से जवाहर नवोदय विद्यालय का क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है, है ना। नवोदय विद्यालय जो है अपने आप में कैसे एक अनोखा, एक यूनिक विद्यालय है हमारे देश का, है ना। तो जैसे कि हम बताएंगे कि नवोदय विद्यालय क्या है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नवोदय विद्यालय की स्थापना हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने 1986 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था उसमें जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी, है ना। तो इसमें जब बच्चा जब क्लास 5 में जब पढ़ता है तो उस समय फॉर्म वो अप्लाई कर सकता है, क्योंकि नवोदय विद्यालय में जो एडमिशन्स होता है वो क्लास 6 से होता है ना। तो उसके लिए कोई भी बच्चा जो रिकॉग्नाइज स्कूल में पढ़ रहा है, रिकॉग्नाइज स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में, तो अप्लाई कर सकता है। और इसका एग्जाम हर लैंग्वेज में होता है, चाहे वो आसामीज हो, बोडो हो, बंगाली हो, तेलुगु हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, है ना। तो जैसे कि कोई बच्चा अप्लाई करना चाहता है, अगर वो इंग्लिश मीडियम का है तो उसमें कॉलम दिया रहता है कि वो इंग्लिश मीडियम, तो उसका जो क्वेश्चंस पेपर्स है वो इंग्लिश मीडियम में आएगा। अगर कोई बंगाली मीडियम में पढ़ रहा है तो अगर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की जगह अगर बंगाली लिखता है तो उसका जो क्वेश्चंस पेपर है वो बंगाली में आएगा, है ना। तो सबसे पहले जानेंगे कि नवोदय विद्यालय में एडमिशंस क्यों लेना चाहिए, है ना, क्योंकि इंडिया में तो बहुत सारे स्कूल है। अगर एक हम एक डिस्ट्रिक्ट का बात करें, जैसे कि मान लीजिए कि हम साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट का बात करें जहाँ पे मेरा पोस्टिंग है, तो यहाँ पे कम से कम हजारों विद्यालय होंगे, है ना। हजारों विद्यालय में स्टूडेंट होंगे, टीचर्स होंगे, हर फैसिलिटीज होगा, लेकिन और सब स्कूलों की अपेक्षा नवोदय विद्यालय एक यूनिक स्कूल क्यों कहा जाता है, क्या खासियत है नवोदय विद्यालय के बारे में, है ना। तो जैसे कि देखेंगे कि नवोदय विद्यालय जो होता है, जो जिला का जितने जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, है ना, क्योंकि इसमें सिलेक्शन आपके मेरिट पे ही होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी सोर्स पैरवी नहीं होता है। जैसे कि हम आदर्श विद्यालय देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए केंद्रीय विद्यालय देखते हैं, तो केंद्रीय विद्यालय है तो उसमें बहुत सारे कोटा होता है, जैसे कि एमपी का, एमएलए का, है ना, डीसी का। लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय में किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकारी, कोई भी लीडर का कोई भी कोटा नहीं होता है, है ना। तो इसको तैयारी करने के लिए हम बहुत सारे, जैसे कि पब्लिकेशंस का बुक है, तो सबसे अच्छा जो बुक है ना, उपकार पब्लिकेशंस का या अरिहंत पब्लिकेशंस का आप ले सकते हैं, है ना। और इसका जो एग्जामिनेशंस का पैटर्न है, जैसे कि 50 मार्क्स का रीजनिंग आएगा और 50 मार्क्स में 25 मार्क्स का जो है वो लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चंस होगा और मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, है ना। तो इसके बारे में हम कुछ विशेषता बतलाएंगे कि जैसे कि क्लास 6 में जब बच्चा आता है नवोदय विद्यालय में तो उसका क्या टाइम टेबल्स होता है ना, और क्यों नवोदय विद्यालय आज हमारे देश में सबसे अच्छे विद्यालयों में गिना जाता है। यहाँ तक कि नवोदय विद्यालय की तुलना दून पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सिंधिया पब्लिक स्कूलों से किया जाता है, क्योंकि आज हमारे देश में, जैसे कि हम मान लें कि पूरे भारत भर में 600 डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे 200 डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट ही हैं, है ना। और कोई भी फील्ड में हम चले जाएं, चाहे मेडिकल के फील्ड में चले जाएं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में जाएं, वर्ल्ड की किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी देश दुनिया में हम चले जाएं, वहाँ पे नवोदय विद्यालय के बच्चे आपको निश्चित रूप से मिल जाएंगे। चाहे वो मेडिकल का फील्ड हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, वहाँ पे आपके नवोदय के स्टूडेंट मिल जाएंगे, है ना। तो जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में हम कुछ एजुकेशन के बारे में बताना चाहते हैं, है ना। यहाँ पे हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, सब्जेक्ट के अलावा बच्चों में कैसे ऑलराउंड डेवलपमेंट किया जाए, ऑलराउंड जैसे कि
कोई बच्चा गेम्स एंड स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई पेंटिंग में अच्छा है, कोई म्यूजिक में अच्छा है, कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अच्छा है, तो उसको कैसे उस फील्ड में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके, है ना, तो उसके लिए स्कूल के तरफ से बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। कि जैसे कोई बच्चा म्यूजिक्स में है तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है, कोई बच्चा पेंटिंग्स आर्ट में अच्छा है तो उसको कलर ब्रश एक्सेट्रा उसको प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा यहाँ के जो टीचर्स होते हैं काफ़ी विद्वान टीचर्स होते हैं, आप जान करके हैरान हो जाइएगा क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं ये पूरे 600 बच्चों को कैसे कंट्रोलिंग करते हैं, कोई अपना एक बच्चा भी कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन नवोदय विद्यालय के जो टीचर्स होते हैं वो 500 बच्चों को बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से कंट्रोलिंग करते हैं। उनका एक एक एक्टिविटी पे नवोदय विद्यालय के जो टीचर्स हैं उनका ध्यान रहता है कि बच्चा खाना खाया कि नहीं खाया, मॉर्निंग पीटी गया कि नहीं गया, उसका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसका परफॉर्मेंस कैसा है ना। फिर उसके बाद से जैसे कि कुछ विद्यालय का टाइम टेबल हम बताते हैं कि जैसे कि बच्चों का मॉर्निंग पीटी से हम लेकर के बात करेंगे, है ना, जैसे कि बच्चा और सब स्कूल में जैसे कि सैनिक स्कूल है, चाहे और भी बोर्डिंग स्कूल है जहाँ पे बच्चों का उठना होता है, लेकिन बहुत सारे एक्टिविटी जैसे कि यहाँ पे मॉर्निंग पीटी स्टार्ट होता है, मान लें कि 5:45 में मॉर्निंग पीटी होने के बाद से उनका फ्रेश होने के बाद से उनका ब्रेकफास्ट है वो 8:30 में ब्रेकफास्ट मिलता है, फिर उसके बाद से मॉर्निंग असेंबली होता है, उसके बाद से क्लासेस होता है, और क्लासेस होने के बाद से 11:30 में उनका एक टी ब्रेक होता है, तो टी ब्रेक के बाद से फिर उनका री क्लासेस स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद से 1:30 में लंच होता है, लंच होने के बाद से फिर बच्चे अपने हाउस में जाएंगे, फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने के बाद से फिर उनका 3 से 4 रिमेडियल क्लासेस होता है, रिमेडियल क्लासेस में टीचर्स बैठे रहते हैं और वहाँ पे जो बच्चा कोई भी प्रॉब्लम से वो कंसर्न टीचर से डिस्कशंस करता है, पूछता है, फिर उसके बाद से 4 से 5 पे गेम्स एंड स्पोर्ट्स होता है, जो बच्चे अपने अपने डिपार्टमेंट जैसे कि कोई बच्चा फुटबॉल में इंटरेस्टेड हो फुटबॉल ग्राउंड में जाता है, कोई बास्केटबॉल में इंटरेस्टेड हो बास्केटबॉल में जाता है ना, जो बच्चे अपने अपने गेम्स में अच्छे हैं वो अपने अपने ग्राउंड में जाते हैं, फिर गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बाद से इवनिंग असेंबली होता है, इवनिंग असेंबली में प्रेयर होता है, प्रेयर होने के बाद से बच्चों का इवनिंग स्नैक्स दिया जाता है, तो स्नैक्स में जैसे कि जो मेस मीनू होता है, जैसे किसी दिन समोसा होता है, किसी दिन स्वीट्स होता है, किसी दिन डिफरेंट डिफरेंट फिक्स है कि इस दिन क्या मिलेगा इस दिन क्या मिलेगा, फिर उसके बाद से रिफ्रेशमेंट के बाद से बच्चे अपने हाउस में जाते हैं, फिर फ्रेश होने के बाद से फिर री क्लास स्टार्ट होता है, उसको हम सुपरवाइज स्टडी बोलते हैं, तो सुपरवाइज स्टडी 6:30 से 8 PM होता है, तो बच्चे अपने क्लासरूम में ही करते हैं और जो गर्ल्स होती है वो डाइनिंग हॉल में जाती है, फिर सुपरवाइज स्टडी होने के बाद से बच्चे का लंच होता है, सॉरी डिनर होता है, डिनर होने के बाद से बच्चे अपने हाउस में जाएंगे, हाउस में जाने के बाद से हाउस मास्टर जाएंगे और उसके बाद से उनका रोल कॉल के बाद हैप्पी आवर्स होता है, इंटरटेनमेंट होता है, जैसे कि कोई बच्चा अपना एक्टिंग करके दिखा सकता है, कोई किसी में जो टैलेंट हो अपना अपने हाउस में परफॉर्म करता है, फिर उसके बाद से फिर सेल्फ स्टडी होता है, फिर 10 बजे के बाद से बच्चे सो जाते हैं ना, तो ऐसा बच्चों का बहुत ही बिजी शेड्यूल है जिसके कारण कोई भी बच्चा अनवांटेड थिंग्स वो नहीं सोच पाता है, वो हमेशा सुबह से लेकर के शाम तक वो अपनी एक्टिविटी में ही बिजी रहता है, इसलिए नवोदय विद्यालय अपने आप में बहुत ही एक अनोखा विद्यालय है और एक ये ऐसा जगह है कि जहाँ पे एक गरीब घर का बच्चा से लेकर के एक ऑफिसर चाहे बहुत बड़ा अमीर घर का बच्चा एक साथ एक बेंच पे बैठ करके हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ाई करता है, हर एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करता है, उसमें यहाँ के नवोदय विद्यालय के बच्चों में किसी भी टाइप का कोई भी फीलिंग्स नहीं होता है कि कौन रिक्शा चलाने वाला का बेटा है, कौन IAS ऑफिसर्स का बेटा है, कौन डॉक्टर का बेटा है, कौन एक नेता का बेटा है ना, और आपस में इतना बढ़िया इंटरपर्सनल रिलेशनशिप
होता है कि आप देख करके आश्चर्य हो सकते हो जाइएगा कि इतना बढ़िया। हम आपको एक एग्जाम्पल्स देंगे कि जैसे बच्चा एक जो एक माँ का होता है सब बच्चे है ना, तो वो आपस में कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन हमारा जो विद्यालय है नवोदय विद्यालय, तो वहाँ के बच्चे जो एक सगा भाई बहन के बीच में जितना आपस में अट्रैक्शन नहीं होता, एक लगाव नहीं होता है, उतना ज़्यादा लगाव यहाँ के नवोदय विद्यालय के बच्चों के प्रति होता है ना। और नवोदय विद्यालय का जो एक ड्रीम है कि हमारे बच्चे यहाँ से अच्छा करके निकले और भारत में हर जगह वो एक लीडरशिप करे, है ना। नवोदय विद्यालय का मतलब ऐसा नहीं कि बच्चा जाकर के कोई छोटा कलर का जॉब करे, टीचर्स का जॉब करे। नवोदय विद्यालय का मीन्स द टॉप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड टू मेक द टॉप क्वालिटी ऑफ द पीपल्स। नवोदय विद्यालय जो है वो टॉप क्वालिटी का इंस्टीट्यूशन है और ये कोशिश करता है नवोदय विद्यालय की टॉप क्वालिटी का पर्सनालिटी पीपल्स पैदा करे, है ना। तो इसलिए नवोदय विद्यालय में आप अपने बच्चों को जरूर डालने का कोशिश करें। नवोदय विद्यालय बेहतर भविष्य देता है ना। धन्यवाद। थैंक यू।